शाहजहांपुर भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य का बयान लगातार वायरल हो रहा है। यह बयान कांवड़ियों के पथराव को लेकर दिया गया है। कांग्रेस राज में कांवड़ियों पर पथराव आम बात थी। कांवड़ियों के सत्संग पर प्रतिबंध कांग्रेस लगा दिया करती थी, लेकिन भाजपा के आने के बाद सब कुछ शांति से चल रहा है, ऐसा कहना है बालमुकुंदाचार्य का। कांवड़ियों पर किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे कांवड़ियों पर मारपीट की जानकारी मिली है। बालमुकुंदाचार्य ने बताया इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, अगर अधिकारी इसमें लिप्त होंगे तो उनको भी निलंबित किया जाएगा। कांग्रेस राज में जिस तरह माफिया पनप रहे थे, लेकिन भाजपा के आते ही उनका खात्मा हो रहा है। माफियाओं का राज खत्म हो गया है, इसलिए मुख्यमंत्री को भी धमकी दे रहे हैं और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इनकी धमकियों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दो बच्चों के कानून को लेकर भी उन्होंने बालमुकुंदाचार्य ने अपना बयान दिया है। बयान में कहा है, हमने अपने विचार केंद्र सरकार के सामने रखे हैं, अब केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। कांग्रेस काल में तो ये नित प्रतिदिन की घटनाएं थी कि कांवड़ियों पर पथराव होना, आगजनी होना, कांवड़ियों को रोक देना और उनके सत्संग भजन कीर्तन अगर वो कर रहे हैं तो उसे पाबंद कर देना या बंद कर देना, ये कांग्रेस काल में तो था। लेकिन अभी ये बीजेपी के आने के बाद में पूर्णता बड़े आनंद से कांवड़िए भी चल रहे हैं, शिव यात्राएं भी चल रही है, अभिषेक भी हो रहे हैं, सब हो रहा है। अब कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी ये वीडियो आया, तो ये दुखद घटना है, इसकी जाँच होनी चाहिए और इससे संबंधित अधिकारी वो सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि कांवड़िए काफ़ी दूर से अपनी यात्रा करके आते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए, और ये हमारी श्रावण मास की परंपरा भी है, तो इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। और अगर पुलिस ने भी ऐसा काम किया या थाने के द्वारा हुआ है, क्योंकि अभी सच्चाई पता नहीं है, अभी ये पता नहीं है कि वो पुलिस से बहस हुई है, क्योंकि वो ड्रेस जो दिख रहा है उसमें सिविल ड्रेस में दिख रहा है वो व्यक्ति, तो ये कह नहीं सकते वो पुलिस का ही है कि बाहर का है। हाँ, ये जरूर है कि आपस में कहासुनी और मारापीटी हो रही है, वो ठीक नहीं है। कांवड़ियों के साथ में किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार हो उचित नहीं है, अगर अधिकारियों ने किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए और वो सस्पेंड होने चाहिए। कानून व्यवस्था मजबूत है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जब से आए, आने के बाद पूर्णतः एक्शन में है और उन्होंने माफियाओं का यह राज खत्म कर दिया है। जैसा कांग्रेस काल में माफियाओं का यह राज था, कांग्रेस काल में अनगिनत यहाँ पर माफिया पनप रहे थे और बाहर के दूसरे प्रदेशों के माफिया यहाँ पर अपना अड्डा जमा चुके थे। फिरौतियों का काम, धमकियों का काम यहाँ अनलीगल बहुत चल रहा था और हम लोगों की ये पूरे बीजेपी की आवाज़ थी कि माफियाओं का राज समाप्त हो, और आदरणीय मुख्यमंत्री आने के बाद में माफियाओं का राज समाप्त हुआ। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि मेवात क्षेत्र में जो काम हो रहे थे साइबर क्राइम का, वो समाप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि माफिया राज समाप्त हो रहा है, तो जो भीतर में जेल में अंदर जा रहे हैं या बैठे हैं वो तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय ने मामला टाइट कर दिया और इनका राज खत्म कर दिया, इनका रोजगार छिन गया, तो इसलिए ये मुख्यमंत्री महोदय को इस प्रकार से धमकियां दे रहे हैं। लेकिन ऐसी धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, मजबूत प्रशासन है और सुशासन का राज है, इसलिए ये माने कि माफियाँ ये धमकियाँ ही हैं, बाकी ये धमकियाँ जो है उसका भी इलाज समय पर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा विचार है, स्वागत है और होना ही चाहिए। धारा 370 हटी है, जो एक प्रकार से भारत में रहते हुए भी भारत में दो टुकड़े दिखाए जा रहे थे, तो हटने की खुशी है, प्रसन्नता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुआ है, और इस काम हुआ है तो इसका स्वागत होना चाहिए, इसका उत्सव होना चाहिए। मुकुट कश्मीर हमारा मुकुट है, कश्यप ऋषि की धरती है और कश्मीर को देखने पूरी दुनिया आती है। कहा जाता है कि धरती का कोई स्वर्ग है तो कश्मीर है, वह कश्मीर पूर्णतः मुक्त हुआ है और कश्मीर में 370 हटी है, तो एक खुशी का दिवस है, तो कश्मीर मुकुट है तो मुकुट दिवस होना ही चाहिए, स्वागत करना चाहिए इसका, हम सबको मनाना चाहिए। ऐसा है, हमने अपनी तरफ से निवेदन और मांग के रखी है, मैंने मेरी तरफ से भी स्वयं की तरफ से भी ये मांग पहले से कर रखी है और केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी, और मुझे विश्वास है कि एक देश एक कानून की हम लोग मांग कर रहे हैं तो जल्दी वो भी लागू होगा। ये भी स्वागत योग्य है, वीर सावरकर जी को कौन नहीं जानता, इस देश के आज़ादी में बड़े बड़े योगदान में से वीर सावरकर जी को भी हम याद करते हैं, ऐसे वीर सावरकर जी को हम नमन करते हैं,
ऐसे वीर सावरकर जी की गाथा, वीर सावरकर जी का बलिदान और वीर सावरकर जी की जो किए हुए कार्य हैं उनका गुणगान होना ही चाहिए और उस दिवस को भी मनाना चाहिए। कांग्रेस तो ये चाहती है कि देश की आज़ादी में जिन लोगों का योगदान रहा, जिन लोगों ने देश की आज़ादी को देश को आज़ाद करवाया, समर्पित हुए, प्राण न्योछावर कर दिए, उन लोगों को नाम नहीं आए, तो कांग्रेस ऐसा चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वह प्रत्येक आज़ादी की लड़ाई में जो भाग लिया है, छोटे से बड़ा, सभी जाति धर्म का, उन सबका मान सम्मान बढ़ना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पता चलना चाहिए।